शिंदोला ते साखरा रस्ता लगतच्या शेतमालाचे कोळसा वाहतुकीमुळे झालेल्या नुकसानीने त्रस्त शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई न मिळाल्याने दिनांक 1 नोव्हेंबर रोजी येनाळी फाटकावर सकाळी 10 वाजतापासून कोळसा वाहतूक बंद केली. याआधी शेतकऱ्यांनी अनेक आंदोलने केली. उपविभागीय अधिकारी वनी तसेच वेकोली प्रशासनाला वारंवार लिखित स्वरूपात निवेदन दिले, मात्र या गंभीर प्रकरणाकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्याच प्रकारची उपाययोजना न केल्याने सदर आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांचे कपास, सोयाबीन, तूर, मिरची, बैलचारा सुद्धा खराब झाल्याने या मार्गावरील सर्व शेतकरी एकजुटीने रस्त्यावर उतरून कोळसा वाहतूक 12 तास रोखून धरल्याने संबंधित विभागाची चांगली तारांबळ उडाल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. जोपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना लिखित स्वरूपात आश्वासन देण्यात येत नाही तोपर्यंत रास्ता रोको आंदोलन चालू ठेवण्याचे आवाहन सर्व शेतकऱ्यांनी केले आहे. मी तालुका के एनआर गाव के खेत में खड़े हैं. हम लोग आप देख सकते मेरे आजूबाजू ये जो सफेद सोना है वो काला हो चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 2 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है और वो उनका आंदोलन इसलिए है कि WCL वेकोली की जो गाड़ियां है उनका ब्रिज बंद होने से वो इनके गांव से जाती है. 6 से 7 गांव आते हैं इसमें, वो 6 से 7 गांव से जाती है और यहां के सभी किसानों के फसल का हाल देख सकते हो आप कितना बदतर हो चुका है. इसके पीछे मेन कारण यह है कि इनकी ओवरलोड गाड़ी चल रही है, उस पर त्रिपाल नहीं होता है, उससे ये डस्ट होता है, कोयला रास्ते में गिरता है. रोड तो रोड बचा नहीं है, मानो गड्ढे हो गए हैं. और ये किसान आज अपने हक के लिए 2 दिन से बैठे हैं मगर इनकी कोई खैर खबर नहीं ले रहा है. इनका हक का पैसा इन्हें नहीं दिया जा रहा है. कोई नेता लोग भी इनके लिए आके खड़े नहीं होते. 3 से 4 बार आंदोलन कर चुके हैं मगर अभी तक हल नहीं हुआ. तो आप देख सकते हो कितना बुरा हाल हो चुका है किसानों का. देखते हैं अब क्या होता है. WCL के कुछ अधिकारी आए हैं और सर्वे चल रहा है. देख विभाग ने तो मानो इनसे दरिया किनारे ही कर दिया इन लोगों को. इनके बारे में ना सोच रहे, ना खैर खबर ले रहे, ना किसी भी महसूल अधिकारी ने यहाँ आने की जहमत उठाई है. कितनी शोकांतिका की बात है कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, एक किसान, आज हम किसान हो ना हो हर बंदा किसान से जुड़ा है क्योंकि हर बंदा अनाज खाता है. तो किसानों का दुख यानी हमारा दुख होना चाहिए. किसानों की मांग तो मांगने से पहले पूरी होनी चाहिए मगर 3 से 4 बार आंदोलन करके आज वो पूरे परिवार के साथ 2 दिन से बैठे हैं मगर आज उनकी मांग का कोई हल नहीं हो रहा. हालत बेहालत, उनकी हालत को देख के मन दुख सा गया है. अगर आज भी उनका हल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, कैसे हाल चल रहे हैं हमारे देश में.